अगला जो चैप्टर आपका है सैंपल सैंपलिंग एंड सैंपलिंग टेक्निक्स डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स पीयूसी में आएंगी ठीक है. चलिए सैंपलिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सैंपलिंग है क्या, सैंपलिंग क्या होती है. मान लो हमारे पास कोई लार्ज पॉपुलेशन है उसमें से हमने किसी का सैंपल लेना जिसको हम चेक कर सके उसको बोलते हैं सैंपलिंग. सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्ट यूनिट्स ब्रैकेट में उन्होंने दिया है पीपल और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट सो दैट द स्टडी ऑफ सैंपल मे मेयरली जनरलाइज अवर रिजल्ट बैक टू द पॉपुलेशन फ्रॉम विच वी देवर चूजन. सैंपलिंग का प्रोसेस ये होता है कि मान लो आपने लोग हैं या फिर कोई कंपनीज हैं आपने पूरी पॉपुलेशन में से उन लोगों को चूज करना है जिसके ऊपर हम क्या सर्च कर सकें या फिर अपना रिजल्ट उनको बोलते हैं सैंपल. सैंपल जो है फ्रेम होते हैं जिससे कि हमें कुछ सैंपल मिल जाता है जैसे कि पॉपुलेशन के बारे में हम ले रहे हैं जैसे उसमें टेलीफोन डायरेक्टरी एग्जाम्पल उन्होंने नीचे कहीं दिया होगा प्रोडक्ट फिनिट्स या फिर येलो पेजेस. आपको मीन्स पूरी फोन डायरेक्टरी में से कोई सैंपल लेने तो आप उसमें फोन कुछ ना कुछ निकालेंगे पूरी डायरेक्टरी तो उठा के लेनी बैठ रहेंगे ठीक है. पूरी बुक है आपके पास जो अपने मेन पेज लगाएंगे उसमें कुछ अलग से पेज ऐसे लगा देंगे जैसे कि येलो पेजेस हमारे लिए वो सैंपल फ्रेम का काम करते हैं. तो क्लियर हो गया सैंपलिंग में नहीं आपने लार्ज पॉपुलेशन या फिर सारी कंपनियों में से किसी को कुछ को उठाना है उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग ठीक है. उसके ऊपर हम जब सर्च का प्रोसेस करते हैं तो उसको बोलेंगे सैंपलिंग प्रोसेस. फिर आपके पास आता है सैंपल फ्रेम. सैंपल फ्रेम इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच द सैंपल इज एक्चुअली ड्रॉन. एक लिस्ट होती है पूरी एलिमेंट्स की जिससे कि हम सैंपल को ड्रॉन करते हैं. लिस्ट में सबसे पहले एग्जांपल दिया टेलीफोन डायरेक्टरी. टेलीफोन डायरेक्टरी में बहुत सारे लोगों के पास नंबर होंगे लेकिन उसमें से आपने कुछ लोगों के नंबर ले लेने जो आपके फायदेमंद के लिए होंगे. फिर उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट फाइंडर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं प्रोडक्ट किसको फाइंड कैसे करना है उसके हिसाब से होगा. फिर येलो पेजेस आपकी बुक में जैसे उन्होंने येलो पेजेस लगाए तो एक सैंपलिंग फ्रेम का काम करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसर्स एंड सैंपलिंग. सेंसर्स और सैंपलिंग में डिफरेंस क्या है. सेंसर्स रेफर टू द कॉम्प्लेक्स इंक्लूजन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन. जब जनसंख्या में सभी प्रकार के फ्रेम्स जो है इंक्लूड होते हैं जैसे कि इन्होंने बताया अभी फ्रेम वाले एलिमेंट्स जैसे हमने बोला येलो पेजेस टेलीफोन डायरेक्टरी सारे इंक्लूड है एक ही जगह पे तो हम बोलेंगे सेंसर्स. अगर ये सैंपल इज सब ग्रुप होते हैं सैंपल. अगर सैंपल की बात करें तो सब ग्रुप होंगे अलग अलग ग्रुप बना के रखे होंगे जहां पे सभी लोग इकट्ठे हैं तो वो सेंसस हो जाएगा. When is the census appropriate? Census appropriate कब होता है means हमारे लिए fix कब होता है. A census is appropriate if the size of population is small. वैसे तो census में क्या सभी लोग mix होते हैं. Appropriate means हमारे लिए fix तब होगा जब population का size हो small होगा जिससे हम आसानी से कोई sample निकाल सकते हैं. When is the sample appropriate? फिर sample appropriate कब होता है means sample हमारे लिए fix कब होगा. When the size of population is large. जब जनसंख्या हमारे पास ज्यादा होगी तब हम उसमें से जाके appropriate जो sample निकाल सकते हैं. When the time and cost are maintained consideration in the research. जब time और cost आपने बिल्कुल maintain करके रखे होगी research में तब आप sample easily निकाल लेंगे. If the population is homogeneous. Population जो है homogeneous है means समझदार वाले लोग हैं उसमें जनसंख्या वाले ऐसे नहीं भी उठा उठा के कुछ भी मारने वाले मिल गए उसमें से क्या sample निकालेंगे पहले तो हम भागेंगे है ना. Also there are the circumstances where sensor is not possible. सैंपल आप वहां से ले सकते हैं जहां पे सेंसेस नहीं है मीन जहां पे आपको सेंसेस का कोई भी डाटा नहीं मिला वहां से आप सैंपल इजी से निकाल लेंगे. एग्जांपल रिएक्शन टू द ग्लोबल एडवर्टाइजिंग ऑफ ए कंपनी. ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कंपनी का रिएक्शन क्या होगा वहां से भी आप सैंपल आसानी से निकाल लेंगे. फिर आपके पास सैंपलिंग प्रोसेस. जब आपने सैंपल स्टार्ट करना तो प्रोसेस क्या होगा. 10 नंबर क्वेश्चन आपका यही आएगा सैंपलिंग क्या है उसकी प्रोसेस क्या है या फिर उसमें से आपको टेक्निक्स पूछेगा. डिजाइन होंगे टेक्निक्स नहीं होगा तो डिजाइन होगा. चलो सबसे पहले पढ़ते हैं सैंपलिंग प्रोसेस. सबसे पहला काम जो आपको करना होगा डिफाइन दी पॉपुलेशन. सबसे पहले आप क्या है पॉपुलेशन को डिफाइन कीजिए किस एरिया के पॉपुलेशन के ऊपर आप जो है सैंपलिंग लेना चाहेंगे. फिर है आइडेंटिफाइंग दी सैंपलिंग फ्रेम. फिर आपको सैंपलिंग फ्रेम देखना होगा मीन्स आप जो डाटा लेंगे किस बेस पे लेंगे जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी हो गया येलो पेजेस हो गया या प्रोडक्ट फाइंडर हो गया मीन्स कौन लोग किस लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं उस हिसाब से. फिर है स्पेसिफाई द सैंपलिंग यूनिट. स्पेसिफाई सैंपलिंग यूनिट्स क्या होगा आप सैंपलिंग यूनिट्स में डिसाइड करेंगे कौन सा रिटेलर किस लोकेलिटी में कौन सी चीज ज्यादा सेल कर रहा है उस हिसाब से ठीक है. फिर होगा सिलेक्शन सैंपलिंग मेथड. फिर आप सैंपलिंग के मेथड सेलेक्ट करेंगे भी कौन सा लगाएंगे प्रोबेबिलिटी बेस पे लगाएंगे नॉन प्रोबेबिलिटी बेस पे लगाएंगे इनके दो मेथड आते हैं ठीक है. फिर है डिटरमाइन द सैंपल साइज. फिर आपको ये भी देखना होगा कि आपने सैंपल का साइज कितना लेना है ज्यादा बड़ा लेना है छोटा लेना है कम से कम चल जाएगा उस हिसाब से. फिर होगा स्पेसिफाई द सैंपलिंग प्लान. फिर अपना प्लान आप सिलेक्ट कर लेंगे जिस बेस पे आपने काम करना है जैसे कि हमने बोला शुड बी क्लियरली स्पेसिफाई द टारगेट ऑफ पॉपुलेशन.
पॉपुलेशन के ऊपर अपना पहले ही टारगेट फुल भी क्लियर होना चाहिए. ये नहीं कि आप सोचेंगे मैं जाऊंगा उस हिसाब से उनसे लोगों को देख के फाइंड करूंगा. पहले से आपको कुछ उद्देश्य होना चाहिए, फिर उस प्लान को आप लगाइए. लास्ट में क्या सिलेक्ट दी सैंपल, सैंपल सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए. ये थी आपकी सैंपलिंग प्रोसेस. हाँ जी, हाँ जी. फिर आपके पास है टाइप्स ऑफ सैंपल डिजाइन. सैंपल डिजाइन जो है दो प्रकार की होगी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, जब सैंपल को क्या है इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का, मींस बार बार भी वो सिलेक्ट हो सकते हैं. जैसे उन्होंने बोला एवरी यूनिट इन दी पॉपुलेशन हैज इक्वल चांसेस फॉर बीइंग सिलेक्टेड एज ए सैंपल यूनिट. जब पूरे सैंपलिंग यूनिट्स में जितने भी सैंपल हम रखे उनको इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी जहां पे जब इक्वल चांस नहीं होता, कई बार क्या कोई चीज नेग्लिजेंस में भी चली जाएगी, किसी प्रोडक्ट को हम सैंपल के तौर पे यूज भी नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन किए हैं कभी? जैसे उन्होंने बोले एक बैग में चार बॉल है, कौन कितनी बार निकलेगी. सबके पास इक्वल चांस होता है, कोई दो बार भी आ सकती है, कोई एक रिपीट में भी आ सकती है. अगर नॉन प्रोबेबिलिटी होगी तो कोई एक आधी मिस भी कर जाते हैं, उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं. इसमें आपको सबके बारे में अलग अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, पहले प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग टेक्निक कौन सी है, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी की. प्रोबेबिलिटी की सैंपलिंग टेक्निक स्टार्ट करता है, सबसे पहले है रैंडम सैंपलिंग. रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एज ए प्रोसेस वेयर द एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी हैव बीन चोजन. जिसमें क्या है, पॉपुलेशन में क्या सबको इक्वल चांस मिलता है किसी को चूज करने का. इसके दो मेथड लगाए, सबसे पहले लॉटरी मेथड. लॉटरी मेथड में क्या होता है, अभी देखो आपने कोई लॉटरी लेनी है, आपके पास क्या लॉटरी पड़ी होंगी, आपने जो मर्जी ले दी, आपके पास रैंडम है, जिसके भी आपका दिल लगे था उसको उठा के आप यूज कर लेंगे, उसको बोलते हैं लॉटरी मेथड. समझ गए ना, मींस प्रोबेबिलिटी है आपके पास रिजल्ट किसी का भी कुछ भी आ सकता है. सारी लॉटरीज पड़ी हैं, आपके पास रैंडम ऑप्शन होगी, किसी को भी चूज कर सकते हैं आसानी से. सैंपलिंग टेक्निक्स उसके बाद यूजिंग रैंडम नंबर टेबल. फिर आप क्या टेबल वाली रैंडम स्कीम भी यूज कर सकते हैं, आपके पास टेबल में जो है वैल्यू दी होंगी. एग्जांपल इसमें जैसे दिए हैं, इसमें क्लियर नहीं होगा रैंडम में क्या होगा. मान लीजिए आपके पास एक ट्रक है, उस एक कंपनी है आपकी, प्रोडक्ट है आपके पास चार, तीन लगा लीजिए, एक दो तीन प्रोडक्ट है उसमें. फिर हमारे पास जो अलग अलग एरिया है सप्लाई करने वाले, वो भी हम मान लेते हैं ए बी सी है. हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम कपड़ा बनाते हैं, हम इसमें चार भेज सकते हैं, तीन भेज सकते हैं, चार, हर जगह में हमारे पास ऑप्शन है अभी, हमने किसमें कहाँ कितना भेज सकते हैं. तो रैंडम है, हमारे पास कुछ भी फिक्स नहीं है, इस टेबल में से हम जिसको मर्जी चाहे जिसको मर्जी उसे हम भेज सकते हैं. सर मतलब कस्टमर डिमांड करेगा कि हमें कितना चाहिए. हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये एरिया है, कस्टमर डिमांड नहीं, हमारे पास ऑप्शन होगी ना, हमें लगता है चलो मान लो कस्टमर डिमांड भी है, लेकिन हमारे पास रैंडम ऑप्शन तो है ना, हम चाहे तो किस डिपार्टमेंट में किसी भी सामान भेज सकते हैं, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, आप जहाँ चाहें अपना सामान भेज सकते हैं. तो इसको बोलते हैं हम रैंडम सैंपलिंग. यहाँ से और पूरी ऑप्शन है, आप कुछ भी चूज कर लीजिए, आप अपना आंसर निकाल सकते हैं. फिर आपके पास जो दूसरी टेक्निक आ रही है इक्वल प्रोबेबिलिटी. इक्वल प्रोबेबिलिटी मीन्स सबको इक्वल चांस होता है सैंपलिंग में सिलेक्ट. ठीक है, जैसे हमने बोला पुट 100 चीट्स इन द बॉक्स नंबर 1 to 100. आपको क्या है, एक बॉक्स में स्लिप डालनी है, मान लो चिट बना के डालनी है 1 to 100 लिख के, वन नंबर एट रैंडम, नाउ द पॉपुलेशन हैज 90 चिट. एक नंबर जो रैंडम है भी आप उठाएंगे, उसके बाद क्या है 99 चिट्स होंगे, पॉपुलेशन कोई भी उठा सकती है, तो आपके पास फिक्स हो गया, उसको बोलते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी. सबको चांस मिलेगा, सबका कोई ना कोई नंबर आएगा. फिर हो गया वेरिंग प्रोबेबिलिटी. जहां पे वेरिंग प्रोबेबिलिटी में क्या है, जो सैंपल यूनिट है सिर्फ एक ही चांस मिलता है, जिसको एक बार उठा लिया उसके बाद दोबारा उसको यूज नहीं किया जाए, उसको बोलते हैं वेरिंग प्रोबेबिलिटी. फिर है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग. सिस्टमैटिक में एक सिस्टम बनाया होगा, जो फॉर्मूला इन्होंने लगाया, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक हम फॉर्मूला अप्लाई करके अपना सैंपल सिलेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग. इन्होंने एक फॉर्मूला लगाया होगा, फॉर्मूला खुद देख लेना, इसमें कोई क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, सिर्फ आपको टेक्निक लिखनी होगी. उसके बाद है स्टेरिफाइड रैंडम सैंपलिंग. स्टेरिफाइड रैंडम सैंपलिंग में देखो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर इन विच सैंपल रैंडम सब सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द विद इन डिफरेंट डाटा विच वार आर मोर लेस वन इक्वल टू सम फ्रीक्वेंसी. इसमें क्या हम डाटा को इकट्ठा कर लेंगे, उसमें क्या है सबके कैरेक्टर लिखेंगे, जो हमारे बेटर जो हमें बेटर लिखेगा उसको हम उसको सैंपल यूनिट्स में सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो ये था आपका स्टेरिफाइड सैंपलिंग. नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्लस्टर सैंपलिंग, फेज नंबर 150. क्लस्टर सैंपलिंग का मीनिंग होता है ग्रुप सैंपलिंग. इसका लिख भी सकते हैं, आपको कई बार दो नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ग्रुप सैंपलिंग, इसके साथ लिख लीजिए क्लस्टर के साथ.
पॉपुलेशन जो है इसमें ग्रुप्स में या फिर क्लस्टर में डिवाइड की जाती है। ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ द फ्यू क्लस्टर इज सिलेक्टेड। इसमें जब आपके पास ग्रुप्स आएंगे उसमें से हम कुछ क्लस्टर या फिर कुछ ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल द यूनिट्स इन सिलेक्टेड क्लस्टर आर स्टडीड। फिर जितने आपने सिलेक्ट किए होंगे उन सभी के ऊपर आप स्टडी करते हैं, फिर जाके अपने आंसर निकालते हैं। पता लग गया, जैसे कि हमने बोला भी हमारे पास यूनिट्स है, हमने सिलेक्ट कर लिया, इसमें हम ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये लेंगे। जिनको आपने सिलेक्ट कर लिया उन सभी के ऊपर आपको स्टडी करनी होगी, जो बेटर लगता होगा उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपल। उसके बाद है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज का क्या है, जब सैंपल को अलग अलग स्टेज पे चेक किया जाता है उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। द नेम इंप्लाई द सैंपलिंग इज डन इन सेवरल स्टेजेस। जब सैंपलिंग जो है अलग अलग स्टेज पे की जाती है जाके, तब उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये जो सारी टेक्निक्स थी ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी वाली। अब भी हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में तो क्या सभी को इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने का। एरिया सैंपलिंग। एरिया सैंपलिंग मीन्स किसी एरिया के बेस की आपने पहले से एरिया सिलेक्ट किया हुआ उसको बोलते हैं एरिया सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग के हिसाब से ही होती है, मीन्स ग्रुप के सैंपल। आपने पांच एरिया दिए हुए, आपको बस एक एरिया सिलेक्ट कर लिया, उसको ग्रुपिंग ही मान ली। एक ग्रुप आपने सिलेक्ट कर लिया उसको एरिया को भी ग्रुपिंग सैंपलिंग भी बोलते हैं। अभी आएंगे नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी मीन्स सबको इक्वल चांस कई बार नहीं भी मिलता, मिलता तो कई बार कुछ लोग छूट भी जाते हैं सैंपलिंग में नहीं आते। सबसे पहले आती है इसमें डेलिब्रेट और पर्पस सैंपलिंग। जब हम अपने मकसद के लिए हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं अपने मकसद के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं। पर्पस आपका कुछ भी होगा उसके बेस पे आपने सैंपलिंग करनी है। मीन्स सबको इक्वल चांस नहीं दे रहे आप सिलेक्ट होने के लिए, जो आपका मकसद था आपने उनको ही सिलेक्ट करना है, उसको बोलते हैं पर्पस सैंपलिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज द जजमेंट सैंपलिंग। इसको जजमेंट सैंपलिंग भी बोलते हैं। हम आपको पूछा जजमेंट मीन्स अपने बेस के ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे। आपने पहले से डिसाइड किया होगा आपने क्या चीज टेस्ट करनी है, आपको पूरा ग्रुप बैठा दिया लेकिन फिर भी आपने अपने मकसद से बस एक बंदे को उठा लिया बाकी को छोड़ दिया, तो उसको हम बोलेंगे पर्पस बेस्ड सैंपलिंग। देखो जैसे एग्जांपल दिया, टेस्ट मार्केट सिटीज आर बीइंग सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द जजमेंट सैंपलिंग बिकॉज दीज सिटीज आर व्यूड एज ए टिपिकल सिटीज मैचिंग एंड विद सर्टेन डेमोग्राफिक क्राइटेरियस। आपके पास क्या था, कुछ सिटीज गई हैं उनको डेमोग्राफी के हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है, तो डेमोग्राफिक एरिया के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे। मीन्स उसमें ये देख सकते हैं किसकी इनकम ज्यादा हो रही है, किसका प्रॉपर्टी ज्यादा हो रही है, कुछ हिसाब से तो उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे, बाकी इसको आप लीव कर देंगे। मीन्स बाकी को नेग्लिजेंस में डाल दिया हमने तो नॉन प्रोबेबिलिटी होगी। फिर आपके पास है शॉपिंग मॉल इंटरसेप्ट सैंपलिंग। शॉपिंग मॉल इंटरसेप्ट मीन्स आप लोग क्या है शॉपिंग मॉल से जाके लोग कुछ भी सैंपल्स उठा रहे हैं, पूरे शॉपिंग मॉल को नहीं ले रहे, उसमें से कुछ कुछ चीजें जो आपको लगती हैं उनको ले लेते हैं, उसको बोला शॉपिंग मॉल सैंपलिंग। रिस्पॉन्डेंट आर रिक्रूटेड फॉर द इंडिविजुअल इंटरव्यू एट द फिक्स लोकेशन इन शॉपिंग मॉल्स। आपको क्या है पर्सन जो हायर किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए शॉपिंग मॉल में फिक्स प्लेसेस पे। मान लीजिए हमारे लुधियाना में पांच छह मॉल हैं तो हमको फिक्स में जाना है, पीवीआर में जाना है, एमबीए में जाना है, तो उस हिसाब से जो पहले से सिलेक्ट होगा उसको बोलते हैं मॉल सैंपलिंग। फिर आपके पास आती है सिक्वेंटल सैंपलिंग। सिक्वेंटल सैंपलिंग देखो दिस इज द मेथड इन व्हिच सैंपल इज फ्रॉम बेसिस ऑफ ईच सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिसीजन। हम क्या है पहले तो ये देखेंगे जिससे हमें क्या है ऑलवेज सक्सेस मिलता जा रहा है, मीन्स हम जिसमें जहाँ प्रॉपर प्रॉफिट कमाते चले जा रहे हैं उन जगह पे आप जाके सैंपलिंग कर दें। आपके पास 10 एरिया हैं, 10 एरिया में आपको बता दें हमारे पास 6 एरिया में प्रॉपर प्रॉफिट हो रहा था, सिर्फ आप फिर प्रॉफिट वाले एरिया में जाके ही काम किए, उसको बोलते हैं सिक्वेंटल सैंपलिंग। ठीक है, जो एरिया में लॉस आ रहा था या फिर प्रॉफिट कम आ रहा था उन एरिया को हमने छोड़ दिए। मीन्स हमने सीरीज बनाई हुई थी 8, 1 से लेकर 10 तक, 10 में से मीन्स आपके पास जो पहले 8 सीरीज में आते हैं वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, तो हम पहले 8 वालों को सैंपलिंग में ले लेंगे बाकी 2 वालों को लीव कर देंगे, उसको बोलते हैं सिक्वेंटल सैंपलिंग। सीरीज के बेस के ऊपर काम होगा, पूरी सीरीज को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, जिससे आपको फायदा ज्यादा हो रहा है उससे आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। अज्यूम दैट ए प्रोडक्ट नीड टू बी इवेल्युएट। आप मान के चलिए एक प्रोडक्ट को आपने इवेल्युएट करना है। एक प्रोडक्ट मान लो 5 एरिया में बिकता है, एग्जाम्पल है 5 एरिया में बिकता है, तो उसमें से हमें पता है 3 एरिया में हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो हम 2 एरिया को लीव कर देंगे। हमने सीरीज बनाई ना पहले 5 एरिया की, 5 एरिया की सीरीज उसमें से हमें दो जगह से काम नहीं हो रहा तो दोनों को नेग्लिजेंस करेंगे, उनको हटा देंगे, बाकी 3 एरिया को सैंपल में ले लेंगे। ठीक है, तो पता लग गया सिक्वेंटल सैंपलिंग। उसके बाद है कोटा सैंपलिंग। ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आ भी जाता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होगी भी आपके हिसाब से, वैसे कोटा भी फिक्स है। जब हम अपने सैंपल को एक कोटा फिक्स कर लेते हैं, एग्जांपल कोई रिक्रूटमेंट आती है, एग्जांपल ही ले लीजिए कोई जॉब निकल के आई, तो उसमें कोटे फिक्स होते हैं। जनरल के लिए इतनी पोस्ट है, एससी के लिए इतनी है, ओबीसी के लिए इतनी है और जाट वालों के लिए इतनी है, तो इसलिए हम सैंपलिंग में भी कोटा फिक्स करते हैं। ये जो हमारी चीज है उसको हम कोटे के हिसाब से डाल देंगे फिर उसकी सैंपलिंग की जाएगी, उसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। समझ गए, जैसे एग्जांपल इन्होंने दी हुई देखो क्लासिफिकेशन, सपोज 2 लाख स्टूडेंट आर अपीयरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
आप मान के चलते हैं एग्जाम आ रहा है, 200,000 स्टूडेंट जो है उसमें आएंगे, वी नीड टू सिलेक्ट 1% ऑफ देम, हमें उनमें से 1% से सिर्फ सिलेक्ट करना है, 200,000 के 100,000 1% कितने हुए, 2,000 1% फिक्स श्योर है, देख लो 2,000 मतलब आपने 200,000 में से 2,000 ही सिलेक्ट करने हैं। दी क्लासिफिकेशन हम क्या है उसमें फिर क्या कोटा सैम्पलिंग लगाएंगे, जैसे उन्होंने बोला जनरल कैटेगरी मेरिट लिस्ट बनाएंगे उसमें से हम 1,000 लोग रखेंगे जिन्होंने बनाया, ठीक है, फिर स्पॉट पर्सन 6,000 रखेंगे, 600 रखेंगे, NRI जो पर्सन होंगे उनको उसको वहां बाहर से 100 लोग रखेंगे, SC और ST जो शेड्यूल कास्ट में उनको 300 लोगों को रखा जाएगा, तो टोटल ओवरऑल 2,000 लोग हमने पहले से ही कोटा फिक्स कर दिया, तो उसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग, ठीक है, कोई भी काम करने से पहले आप अलग अलग कोटे में डाल देंगे उसको, तो उसको बोलेंगे हम कोटा सैम्पलिंग, इसके फायदे और नुकसान आप बाद में पढ़ते हैं। फिर है स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग में आगे से आगे रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करना, आप क्या किसी को ऑप्शन देते चले गए, आपने सैंपल का सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके आगे कितने रिस्पॉन्स आए, फिर उनमें से कुछ को सिलेक्ट करना, फिर उसके आगे कितने, मींस हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। बर्फ गिरनी स्टार्ट होगी तो आज यहाँ गिरेगी तो कल उधर भी गिरेगी ना, तो उसी हिसाब से हो गया, उसी से उन्होंने रिस्पॉन्डेंट जैसे जैसे रिस्पॉन्स आते चले जाएंगे उसी बेस पे उसको सैंपल सिलेक्ट करते चले जाएंगे। एग्जाम्पल दिए कॉलेज स्टूडेंट ब्रिंग इन मोर स्टूडेंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द पैक्स, द मेजर एडवांटेज ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग इज टू मॉनिटर द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इन द पॉपुलेशन। कॉलेज स्टूडेंट जो है मान लो कैंटीन में जाते हैं, एग्जाम्पल उन्होंने दिए पेप्सी की, पेप्सी ज्यादा लोग कंजम्पशन करते हैं, पेप्सी ज्यादा पीते हैं, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग उनमें से कैरेक्टरिस्टिक फिटिंग कौन लोग ज्यादा पेप्सी पी रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते चलेंगे, कॉलेज में जरूर थोड़ी भी आज यही स्टूडेंट आएंगे, कल लोग चेंज भी हो जाएंगे भाई स्टूडेंट, जब नया सेमेस्टर आएगा तो भी आएंगे, तो उन्होंने आगे से आगे बढ़ते चले जाना है, कंजम्पशन लेवल देखते चले जाए, उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। फिर है पैनल सैम्पलिंग, पैनल सैंपलिंग में देखो इन्होंने क्या लिखा है, इसमें हम के देखते हैं सैंपलिंग यूनिट उससे सिलेक्ट करते हैं जिससे कि हम सेल यूनिट से इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज उसके बेस पे होगा, इन्होंने बोला कंपेयर दी अदर सैंपलिंग वाइल इंक्रीज और डिक्रीज दी सेल सप्लाई, जब हम अपनी सेल सैंपलिंग की कंपेयर करते हैं किसी और सैंपलिंग टेक्निक से इसको बोलते हैं पैनल, आपने कोई सैंपलिंग टेक्निक लगाई थी उसको दूसरे टेक्निक से कंपेयर किया, लिख लीजिए अगर नहीं लिखा तो मैं लिखवा देता हूँ, कंपेयर दी अदर सैंपलिंग, कंपेयर दी अदर सैंपलिंग वाइल इंक्रीज और डिक्रीज सेल सप्लाई, आप अपनी कंपनी की सेल और सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज के अदर सैंपलिंग टेक्निक से अपने आंसर को जब निकालते उसको बोलते हैं पैनल सैंपलिंग, अदर सैंपलिंग वाइल इंक्रीज और डिक्रीज सेल सप्लाई, आप अपने काम में जो भी आंसर रिजल्ट कुछ निकालना होगा जब आप उसको अदर टेक्निक से कंपेयर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पैनल सैंपलिंग, ठीक है। ये वाली सैंपलिंग कहाँ पे यूज होती है, मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग में ही सेल का काम पेश होता है। तो ये थी आपके पास दो प्रकार की सैंपलिंग।